55 इंच 4K टीवी जब आप लेने की सोचते हैं तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स की लगभग आपको 55 ऑप्शंस मिलती हैं। कोई महंगा, कोई सस्ता, किसी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी तो किसी की साउंड क्वालिटी, किसी का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा तो किसी का नहीं। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी चुन पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉट एनी मोर, आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 55 इंच 4K टीवी विद देयर प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों, मेरी सितंबर की रेकमेंडेड टीवीज की लिस्ट को इस समय तक लगभग 30,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उनकी पसंद का टीवी अवेलेबल ही नहीं था। इसलिए मैंने इस वीडियो की लिस्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आपको अपनी पसंद का एक टीवी ना मिले तो उसी रैंक पे आने वाले किसी दूसरे टीवी को आप चुन पाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फीचर्स। और दोस्तों, टीवी होता है देखने के लिए, इसलिए इन टीवीज को मैंने रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिक्चर क्वालिटी, नॉट देयर प्राइस। आप अपने बजट के हिसाब से सही टीवी चुनिए। और हाँ दोस्तों, मेरी सितंबर की अपडेटेड टीवीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड फ्री कंटेंट, नो ब्रांड एडवर्टीजमेंट, और बदले में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है नोकिया टीवी। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड देखने को मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC ADS D-LED पैनल देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 400 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10 और Dolby Vision को। Nokia टीवी के अंदर आपको मिलेगी वाइट कलर गैमेट, MEMC टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट डिमिंग जैसे फीचर्स। ये टीवी आता है Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इस टीवी के अंदर आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है। इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का 450 MP3 GPU भी मिलेगा, 2.25 GB की RAM और 16 GB स्टोरेज के साथ, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB। इस टीवी के अंदर आपको 24W की बिल्ट इन JBL की साउंड बार मिलेगी, जिसके फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स आपको Dolby ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड की सपोर्ट भी देंगे। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन हेडफोन जैक मिसिंग है। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। नोकिया टीवी को आप खरीद पाएंगे 42,000 रुपीज के अंदर। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन MEMC एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इज नथिंग मोर देन अ मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे मोशन ब्लर को MEMC कंट्रोल नहीं कर सकती और इसके ब्लीडिंग इश्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। नोकिया यानी फ्लिपकार्ट ने बहुत कोशिश करी है उसको सॉल्व करने की, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह सॉल्व हुए नहीं है। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे दो टीवीज आते हैं, जिसमें से पहला टीवी है सैन्यो काइजन टीवी 2020 मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड साथ में मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC VA D-LED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 400 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10 और Dolby Vision को। Sanyo Kaizen 2020 मॉडल आता है 4K अपस्केलर और माइक्रो डिमिंग फीचर के साथ, जो कि 1296 सेपरेट जोन्स में काम करती है। इस टीवी के अंदर आपको Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और साथ में बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलेगा। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB की RAM और 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 11 GB। ये टीवी आता है 20W के डाउन फायरिंग स्पीकर्स के साथ, जो कि सपोर्ट करते हैं Dolby Digital और DTS ट्रू सराउंड को। इस टीवी के अंदर आपको मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 36,000 रुपीज के अंदर। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में।
2019 के सैन्यो काइजन मॉडल के अंदर आईपीएस पैनल आपको मिलता था, जिसके अंदर आपको व्यूइंग एंगल्स तो बहुत अच्छे मिलते थे लेकिन वो पैनल रिफ्लेक्टिव बहुत था। इस साल पैनल रिफ्लेक्टिव तो नहीं है लेकिन इसके व्यूइंग एंगल्स लास्ट ईयर जैसे अच्छे नहीं है। बट आई एम जस्ट निट पिकिंग, 36,000 रुपीज के अंदर ये टीवी एक शानदार ऑप्शन है। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे दूसरा टीवी है TCL C8 2020 मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, मेटल फ्रेम और प्लास्टिक स्टैंड मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC VA D-LED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 350 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10, HLG और Dolby Vision को। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी माइक्रो डिमिंग, वाइट कलर गैमेट, MEMC टेक्नोलॉजी और TCL की फेमस फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये टीवी आता है एंड्रॉइड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU मिलेगा 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी अराउंड 10.5GB। इस टीवी के अंदर आपको 16W की बिल्ट इन ऑनक्यो की साउंड बार मिलती है जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड को सपोर्ट करती है। ये टीवी आता है 3 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स के साथ और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलेगी। 50,000 रुपीज के अंदर आप TCL C8 के 2020 मॉडल को खरीद पाएंगे और जितनी शानदार इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी है उतना शानदार TCL का सर्विस नेटवर्क नहीं है। अपनी सिटी के अंदर TCL के सर्विस नेटवर्क को पहले चेक करें, उसके बाद ये टीवी खरीदें। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे 3 टीवीज आते हैं और वो टीवीज हैं हाइसेंस टीवी, व्यू प्रीमियम टीवी और व्यू अल्ट्रा 4K टीवी। ये तीनों टीवीज आते हैं थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ, 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इन टीवीज के अंदर आपको 8-bit FRC VA D-LED पैनल मिलेगा और इनकी ब्राइटनेस चली जाएगी 300 से 400 nits तक और ये सपोर्ट करते हैं HDR10, HLG और Dolby Vision को। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको सिमिलर मोड्स मिलते हैं नाम बदल बदल के, क्रिकेट मोड, PC मोड, गेम मोड, स्पोर्ट्स मोड। डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल आपको तीनों टीवीज में मिलता है लेकिन अल्ट्रा डिमिंग फीचर आपको हाइसेंस टीवी के अंदर एक्सक्लूसिवली मिलेगा। तीनों ही टीवीज आते हैं एंड्रॉइड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी तीनों ही टीवीज में मिलता है। सभी टीवीज के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU मिलेगा 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ, लेकिन 11GB आपको स्टोरेज मिलेगी फ्री। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको 30W के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी डिजिटल MS12 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाइसेंस टीवी के स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलेंगे। ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ तीनों ही टीवीज आते हैं। आप इन टीवीज को 34,000 रुपीज के अंदर खरीद पाएंगे। व्यू के टीवीज तो बहुत टाइम से अवेलेबल ही नहीं है लेकिन हाइसेंस टीवी का स्टॉक आपको सितंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। हाइसेंस टीवी का सबसे बड़ा कॉन ये है कि कई यूजर्स ने स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज को रिपोर्ट किया है, बट द गुड पार्ट इज हाइसेंस ने उन्हें फ्री रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न ऑफर किया है। अब जो नया लॉट आ रहा है उसके अंदर उम्मीद करी जा सकती है कि हाइसेंस टीवी के अंदर स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज नहीं मिलेंगे। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे 3 टीवीज आते हैं, जिसमें से पहला टीवी है TCL का C715 QLED टीवी। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, मेटल फ्रेम और मेटल का ही स्टैंड मिलता है। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC MVA D-LED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 300 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10, HLG और Dolby Vision को। ये टीवी आता है माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ और इसके अंदर आपको वाइट कलर गैमेट मिलेगा, जिसकी DCPI3 रेशियो है 93%। इस टीवी के अंदर आपको TCL की अपनी फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉइड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है,
विद क्रोमकास्ट बिल्ट इन एंड एलेक्सा सपोर्ट। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी अराउंड 10.5GB। इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, जो कि डॉल्बी ट्रू HD और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स के साथ और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ। ये टीवी आपको देगा ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये टीवी कॉस्ट करता है 58,000 रुपीज। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कम ब्राइटनेस होने की वजह से उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी QLED टीवीज की होती है। एंड सेकेंडली, TCL की सर्विस इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे दूसरा टीवी है LG UN7300। ये टीवी आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक स्टैंड और एक प्लास्टिक बॉडी के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन और 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ 8-bit FRC IPS DLED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 300 nits और ये सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। इस टीवी के अंदर आपको कंट्रास्ट रेशो मिलेगी 1100:1 की। ये टीवी आता है वाइट कलर गैमेट के साथ, जिसकी DCI-P3 रेशो है 83%। एडवांस टेक्निकलर मोड और LG ThinQ AI फीचर्स के साथ आपको इसके अंदर मिलता है LG का वेब OS, जिसके अंदर आपको मीराकास्ट की भी सपोर्ट मिलेगी। LG इसके अंदर गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले 2 की भी सपोर्ट आपको देता है। LG ने यूज किया है इसके अंदर क्वाड कोर CPU और LG का ही मोशन को प्रोसेसर GPU। इस टीवी के अंदर आपको 1.5GB की रैम और 4GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 1.5GB की। इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स और सबवूफर मिलेंगे, जो कि क्लियर वॉइस 3 और डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स के साथ और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ। ये टीवी आपको देगा ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। इस टीवी को आप ऑफलाइन मार्केट में 68,000 रुपीज में खरीद पाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अच्छी पिक्चर क्वालिटी, गुड व्यूइंग एंगल्स और पिछले साल के मॉडल से अच्छी साउंड, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज बहुत कम है। बट द गुड पार्ट इज कि आप इसके अंदर एक्सटर्नल ड्राइव लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज, लास्ट ईयर का मॉडल UM7300 अगर आपको इस समय मिलता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वो आपको 8 से 10,000 रुपीज चीपर मिल जाएगा। और बिल्कुल सेम मॉडल है UN7300 और UM7300। आप इन दोनों में से कोई भी मॉडल लेंगे तो ना के बराबर फर्क है। कुछ मामलों में UM7300 ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे तीसरा टीवी है OnePlus का Q1 मॉडल। ये एक QLED टीवी है, जो आता है थिन बेजल डिजाइन, मेटल फ्रेम और एक मेटल बेस स्टैंड के साथ, जो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। इस टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ स्मूथ मोशन रेट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC VA DLED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 470 nits तक और ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HDR10 Plus, HLG और Dolby Vision को। फन फैक्ट, HDR10 Plus सिर्फ Samsung की टीवीज में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट Samsung ने ही बनाया है। इस टीवी में इसलिए मिलता है क्योंकि ये पैनल Samsung से लिया गया है। इस टीवी के अंदर आपको गामा कलर मैजिक इंजन मिलेगा और इसका NTSC है 120%, वाइट कलर गैमेट मिलेगा और DCI-P3 रेशो है 96%, फुल एरे लोकल डिमिंग मिलेगी 90 जोन्स की। ये टीवी आता है Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके अंदर आपको क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन मिलता है। ये टीवी एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है। इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का G51 GPU मिलेगा। ये टीवी आता है 3GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है अराउंड 9.5GB।
इस टीवी के अंदर आपको 50 वॉट के स्पीकर्स मिलेंगे जो डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस और DTS HD को सपोर्ट करेंगे। ये टीवी आता है 4 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 3 USB पोर्ट्स के साथ और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेगी। OnePlus टीवी कॉस्ट करता है 70,000 रुपीज, लेकिन किसी भी Amazon सेल के दौरान आप इस टीवी को 60,000 रुपीज के अंदर खरीद पाएंगे। अगर आप इस टीवी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप एक Amazon सेल की वेट करिए और तब खरीदिए। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ये टीवी बहुत ही अच्छा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी शानदार है, लेकिन जितनी भी अच्छी NTSC और कलर गैमेट रेशो ये दे, एस्टैब्लिश ब्रांड जैसी कलर मैनेजमेंट OnePlus नहीं दे सकता। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे दो टीवीज आते हैं, जिसमें से पहला टीवी है सैमसंग द फ्रेम 2020 मॉडल। ये एक QLED टीवी है जो आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगी। 4K रेजोल्यूशन और 50-120Hz के वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC VA ELED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 550 nits तक। ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HDR10 Plus और HLG को, और इसके अंदर स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलता है 8000:1। इस टीवी के अंदर आपको डुअल LED टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्वांटम 4K पिक्चर प्रोसेसर मिलेगा, माइक्रो डिमिंग फीचर मिलेगा और ये टीवी आता है व्हाइट कलर गैमेट, जिसकी DCI-P3 रेशो है 100%। इस टीवी के अंदर आपको मोशन डिटेक्शन भी मिलेगी इन आर्ट मोड। ये टीवी आता है टाइजन OS के साथ और उसका वर्जन है 5.5। आप इस टीवी में स्क्रीन कास्ट भी कर पाएंगे सैमसंग ऐप को यूज करके। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले 2 की भी आपको इस टीवी के अंदर सपोर्ट मिलेगी। सैमसंग ने यूज किया है अपना बनाया हुआ क्वाड कोर CPU और डुअल कोर GPU। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 2.25GB की रैम और 8GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 4GB। इस टीवी के अंदर आपको 40 वॉट के स्पीकर्स और सबवूफर मिलते हैं, जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के साथ आते हैं और एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इस टीवी के अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC पोर्ट है जो कि सपोर्ट करता है 4K एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। बाकी 3 HDMI पोर्ट्स CEC सपोर्ट करते हैं। 3 USB पोर्ट्स भी आपको इस टीवी के अंदर मिलते हैं और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 85,000 रुपीज के अंदर। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 55 इंच टीवीज अंडर 1 lakh rupees। बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी, बहुत शानदार ब्राइटनेस, लेकिन एक कॉन है जो कि बहुत मेजर कॉन है। इस टीवी का पैनल बहुत रिफ्लेक्टिव है और इसके व्यूइंग एंगल्स इतने शानदार नहीं है। अगर आप इन दो प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, देन दिस इज द बेस्ट टीवी दैट यू कैन बाय। बेस्ट 55 इंच 4K टीवीज की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाला दूसरा टीवी है सोनी का X8000H मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको स्लिम बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड देखने को मिलेगा और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 94%। इस टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन और 50Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन साथ में मिलती है मोशन फ्लो 200 टेक्नोलॉजी, जो इसके रिफ्रेश रेट को 50 से 200 तक लेके जाती है। इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC IPS DLED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 550 nits तक और ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HLG और Dolby Vision को और इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो है 1100:1। इस टीवी के अंदर आपको X1 इमेज प्रोसेसर, ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले, वाइट कलर गैमेट विद DCI-P3 95%, फ्रेम डिमिंग और डायनामिक कंट्रास्ट एनहेंसर जैसी टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉइड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलेगा। ये टीवी गूगल क्रोमकास्ट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले 2 को भी सपोर्ट करता है। इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A73 CPU और माली का G71 GPU देखने को मिलेगा। ये टीवी आता है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ,
जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 10 GB। इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग फुल रेंज बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस और DTS डिजिटल सराउंड सपोर्ट के साथ आते हैं। इस टीवी के अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलेंगे। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 80,000 रुपीस के अंदर। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इस टीवी के अंदर आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है इस बजट के अंदर, पीरियड। लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी पिछले साल के मॉडल से कम करी गई है, विच इज अ डिसअपॉइंटमेंट। और इतने महंगे टीवी के अंदर आपको EARC पोर्ट नहीं मिलता। इस टीवी का इनपुट लैग है 10 मिलीसेकंड्स, विच इज अनदर वंडरफुल थिंग। लेकिन EARC पोर्ट ना होना इज अ डिसअपॉइंटमेंट। हो सकता है सोनी फ्यूचर में ARC पोर्ट को फर्मवेयर अपडेट से अपग्रेड कर दे। दोस्तों, अपनी रेकमेंडेड टीवीज की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी टीवीज के डायरेक्ट सेलर लिंक्स भी दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइएगा कि आप इनमें से अपने लिए कौन सा टीवी लेना पसंद करेंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।